में भाजपा द्वारा शिमला संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी कर्नल धनीराम शांडिल को लेकर दी गई टिप्पणी पर सोलन सिटी कांग्रेस ने जवाब दिया है। सोलन में सिटी कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश सूद व संयोजक यूजी पंत ने प्रेस वार्ता कर भाजपा के नेता को जवाब देते हुए पूछा है कि यदि आपको पता है कि शांडिल रेस्ट हाउस के कमरा नंबर 2 में रहते हैं तो उनका बार बार पता पूछने का क्या औचित्य है। अंकुश ने कहा कि भाजपा अपने प्रत्याशी सुरेश कश्यप द्वारा पछाड़ में करवाए गए एक भी विकास कार्य के बारे में बताएं जो उन्होंने करवाए हैं। अंकुश ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा जहां जीत की बात कर रही है वहीं उनके प्रत्याशी सुरेश कश्यप के विधानसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस के लीड मिल रही है। उन्होंने बताया कि नेताओं पर भ्रष्टाचारी व भू माफिया होने के भी आरोप लगाए। उन्होंने भाजपा नेताओं पर भ्रष्टाचारी व भू माफिया होने के आरोप भी लगाए। अंकुश ने कहा कि कर्नल धनीराम शांडिल एक ईमानदार व उच्च कद वाले नेता हैं और उनकी जीत निश्चित है। भाजपा के कुछ लोग कांग्रेस प्रत्याशी कर्नल धनीराम शांडिल जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और उनसे कई सवाल कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मुझे हंसी आती है जब वो खुद ही बोलते हैं कि कर्नल धनीराम शांडिल रेस्ट हाउस के कमरा नंबर 2 में रहते हैं और साथ में उनका एड्रेस भी पूछते हैं। तो मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि वैसे तो कर्नल शांडिल जी बशील गांव में रहते हैं, पर बशील गांव तक पहुंचना सोलन के हर व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल है, इसलिए सेंटर पॉइंट वो रेस्ट हाउस में रहते हैं जो कि एक सरकारी संपत्ति है और जहां पर कोई भी आम पब्लिक भी आराम से आ जा सकती है। वो कोई भूमाफिया नहीं है और ना कि भाजपाओं की नेताओं की तरह भ्रष्टाचारी है कि जिन्होंने एमएलए या एमपी रहते हुए पैसों का गमन किया हो और जगह जगह पर अपनी बिल्डिंगें बनाई हो। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि शांडिल जी ने क्या कार्य किए। शांडिल जी के कार्य तो मैंने आपको बताए, पर आप सुरेश कश्यप जी के कार्य मुझसे पूछिए। राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार में राजगढ़ के अंदर जो पहला कॉलेज जो खोला गया था वो कांग्रेस सरकार ने खोला और सुरेश कश्यप जी ने उसको बंद करने का काम किया। अब वो किस मुंह से जाकर वहां के लोगों से वोट मांग रहे हैं। दूसरी बात, सुरेश कश्यप जी ने ऐसा कौन सा मील के पत्थर वाला काम पछाद के लिए किया जो कि आइडल बना हो और वो पूरे पार्लियामेंट्री को बताना चाहे कि हाँ जी मैंने पछाद के अंदर ये कार्य किए हैं और अब मैं पूरी पार्लियामेंट्री को भी ऐसे ही कार्य करूंगा। भाजपा के कुछ लोग बोलते हैं कि शांडिल जी जो है वो इसे संभाल नहीं पाएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसी को नहीं संभाल पाए तो वो पार्लियामेंट्री को क्या संभाल पाएंगे। मैं उनके बताना चाहूंगा कि कर्नल शांडिल जी का कद बहुत बड़ा है, वो 7 प्रदेशों के प्रभारी रह चुके हैं, सीडब्ल्यूसी मेंबर रह चुके हैं, 2 बार एमपी और दूसरी बार विधायक चुन चुके हैं। अगर उनका कार्यकाल अच्छा नहीं होता तो मुझे लगता है कि जनता बेवकूफ नहीं है जो उन्हें दूसरी बार विधायक बनाती। तो उनके कार्यों की बदौलत ही उन्हें विजय प्राप्त हुई है और वो इस समय फिर से जो है एमपी के लिए चुनावों में है और हमें पूर्ण विश्वास है कि वो बहुत अधिक मतदान से जीतेंगे और खासकर जो सुरेश कश्यप पछाड़ से हैं, पछाड़ से भी जो है वो कर्नल शांडिल को ही लीड मिलेगी। सोलन से पीएलटीवी के लिए अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।